नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। झारखंड राज्य के गुमला जिला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में खेल दिवस के अवसर पर प्रैक्टिस करने पहुंचे खिलाड़ी राज्य और देश के लिए खेल चुके खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है सरकार की मदद। सरकारी उपेक्षक कर डांस कर रहे हैं। गुमला के कई ऐसे नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी, गुमला में कई नेशनल फुटबॉलर हैं जो संतोष ट्रॉफी, सुब्रत मुखर्जी सहित कई प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। यहां तक कि विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिताओं की भी तैयारी के लिए बनाई गई टीम में गुमला के खिलाड़ी शामिल हैं। यह सभी खिलाड़ी किसान परिवार से आते हैं, माता पिता खेती बाड़ी कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, परंतु गुमला के कई नेशनल खिलाड़ी सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। कई खिलाड़ी राज्यवास 23 के खेले, परंतु अब उनकी उम्र अधिक हो गई है जिससे इनका भविष्य सवर जाए। वही कई ऐसे नेशनल खिलाड़ी हैं जो लगातार अभ्यास कर इंडिया टीम के लिए खेलने का सपना पाले हुए हैं, परंतु खेल दिवस के अवसर पर अपना बात बोल डाली। तेलंगाव की रेखा उराव आज खेल दिवस पर परमवीर अल्बर्ट इक्का स्टेडियम में अभ्यास करने पहुंची और बताया कि इंटरनेशनल खेल कर श्रीलंका से जब आए तब उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन आज तक सरकार ने कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला जिसे रेखा उराव पुलिस बनाना चाहती थी, मगर सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सम्मान नहीं दिया जा रहा, परंतु गुमला के खिलाड़ियों को उसके खेल का इनाम भी नहीं मिल रहा। रेखा ने उसके पिता और किसान हैं, जबकि इंटरनेशनल खेल कर रेखा अपने गांव पहुंचे तो पूरे जिले में भव्य स्वागत किया। अब सरकार के द्वारा रेखा को कोई भी लाभ नहीं मिलने से रेखा काफी चिंतित है। अभी भी रेखा अपने जूनियर को प्रैक्टिस कराकर सभी खिलाड़ियों को सिखाने का प्रयास कर रही है। वहीं कोच रिजवान अली की माने तो निःशुल्क प्रैक्टिस कराते हैं, कोई खिलाड़ियों से पैसे नहीं लेते। फिर भी गुमला खेल नगरी से जाने वाला जिला है। रिजवान का प्रयास है गुमला जिला के सुदूर इलाके के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। सरकार को चाहिए कि सही समय से खिलाड़ियों को सरकारी सुविधा देने का प्रयास करें, नहीं तो खिलाड़ियों को गोलबंद होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का प्रयास करना पड़ेगा। और इससे हम लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं और लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपना आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। मेरा यही सोच है ना कि हम अपने से छोटे लोगों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, इंटरनेशनल और वो उससे भी बड़ा ओलंपिक वगैरह होता है ना, वो सब खेलना चाहते हैं। और मेरे से जूनियर लोग को भी इंस्पिरेशन देना चाहते हैं कि वो लोग भी आगे बढ़े। मेरे से क्या नाम हुआ? मनीषा लकड़ा। कुछ लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम लोग 10 साल हो गया प्रैक्टिस करके। और 10 साल में सब जूनियर से लेके सीनियर संतोष ट्रॉफी नेशनल उसमें सब खेल के अभी तक बेकार ही हम लोग बैठे हुए हैं। आज इसलिए प्रैक्टिस आए हैं क्योंकि आज खेल दिवस है, हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो आज खेल दिवस में भी प्रैक्टिस करने का मोटो यही है कि ये हम लोग से जूनियर बच्चा लोग शिक्षित हो और खेल को लोकप्रिय खेल है और इसमें आए। और कौन कौन खेल खेले हैं आप? हम संतोष ट्रॉफी यूनिवर्सिटी 19 दो इंडिया कैंप भी किए हैं, कोको कोला कप, बहुत सा गेम खेले, नेशनल गेम भी खेले। नेशनल गेम कौन कौन सा? नेशनल गेम नेशनल संतोष ट्रॉफी यूनिवर्सिटी खेले हैं, 19 दो इंडिया कैंप, सुब्रतो कप, सब खेले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आसिफ अली है। आसिफ अली, हम यही चाहते हैं कि आज तक हमको यहाँ का प्लेयर लोग को जितना भी इंटरनेशनल या नेशनल खेला है वो लोग को कुछ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, उसके चलते प्लेयर इंटरनेशनल खेल रहा है उसके बावजूद भी जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके खिलाफ तो सरकार को जॉब देना चाहिए, क्योंकि अदर गेम जैसे कि हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन वगैरह ऐसे गेमों को जॉब तो दिया गया है, लेकिन फुटबॉल के ऐसे कभी सुने हैं कि फुटबॉल को आज तक ऐसे जॉब तो दिया नहीं गया है। इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि यहाँ के इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर को रोजगार देने की कृपा करेंगे। आप कहाँ कहाँ नेशनल खेले हैं? नेशनल दुमका, गोवा, चंडीगढ़। कहाँ से जीत के आए थे? इंटरनेशनल तो हम खेले हैं श्रीलंका से, विनर होके आए थे। क्या नाम हुआ? रेखा उराव। एक्चुअली में मेरा उद्देश्य यही था कि गुमला खेल नगरी से जाना जाता है और हमारे विशेषकर गुमला में खेल का खदान है, माइंस है, और हमारे पूर्वजों लोग भी गुमला के की ओर से पूरे भारत देश में कई बार नाम जगाए हैं, भारत देश का, हमारे देश का, और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बने हैं, और इसी से गुमला खेल नगरी जाना जाता है।
तो मेरा ये कथक प्रयास है कि मैं सोचा कि आज गुमला हमारे परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं, ये बच्चे लोग को किसी तरह से प्रोफेशनल कोचिंग नहीं मिलता है, जिसके कारण मैं 2001 में मैं ग्रामीण फुटबॉल एकेडमी के नाम से एक एकेडमी खोला और मैं निःशुल्क वहाँ उसको प्रशिक्षण दिया। उसके बाद मुझे सहयोग के तौर पर हमारे भाई अमित एक्का ने मुझे भरपूर सहयोग किया, फिजिकली तौर पर भी और मेंटली भी उन्होंने हमको हर क्षेत्र से कोऑपरेट किया, हमारा मनोबल बढ़ाया। और मेरा उद्देश्य यही था कि क्यों नहीं हमारा खेल नगरी का नाम बरकरार रहे, और आज भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं गुमला के बच्चों को उत्थान करने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा यही कोशिश है। और विगत हर वर्ष प्रत्येक वर्ष हमारे गुमला जिला से कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हमारे निकलते जा रहे हैं जो देश को एक अच्छा प्लेयर दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अली है।